भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हमाओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में चुनाव को शंखनाथ लगभग हो ही सो गाओ है। कछु महीना बचे हैं और ई किला ने अब धुआंधार तैयारियां नेताओं ने शुरू कर दी है, चाहे प्रदेश स्तर पर हो चाहे विधानसभा स्तर पर हो। मध्य प्रदेश में चर्चित सीट हमेशा से रथ है पृथ्वीपुर की, निवाड़ी जिला की, और इतने से एक बार फिर से दावेदारी हो रही है नितिन सिंह राठौर, जिनको उनके लोग नीटू भैया के नाम से जाना थे। राम राम नीटू भैया। राम राम। कहा है चुनाव उनाव की शुरू हो गई तैयारी? नहीं, बिल्कुल तैयारी शुरू हो गई और तैयारी तो चल ही रही। हम तो उपचुनाव के बाद लगातार क्षेत्र में ही हैं, तो क्षेत्र में लोगों के बीच में हैं, लोगों के सुख दुख में हैं, लोगों के साथ हैं और निश्चित रूप से पूरी तैयारी है। तो की तरीके को ये कछु नई तैयारी को नव पैटर्न है कि पुरानी पैटर्न पे काम होने? देखो, पैटर्न तो हम बनाऊत नहीं है। हमारा तो सीधा सीधा उद्देश्य है कि जौन दिना से राजनीति में आए, संकल्प एक ही है, जनता को सेवा करने। और हमारे पूज्य पिताजी एक वर्ष रहे, मे भी बिना किसी पैटर्न के जनता के बीच में रहे, उनके सुख दुख में रहे और हमेशा जनता की सेवा के लिए समर्पित रहे। और वही तरीका से हम भी वही पैटर्न पे चल रहे हैं कि जनता की सेवा करने, जनता के सुख दुख में आने और साथ ही साथ जो नकारात्मक राजनीति है उसको दूर करके सकारात्मक राजनीति करने और लोगों के हित में काम करने। लेकिन जी तरीके से 2021 को जो चुनाव हो तो उपचुनाव जो भाव तो उसके बाद जो परिस्थिति बनी, उस चुनाव में आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाई, तो कछु कमी पकड़ में आई कि अपन को? एक तो आपने कही थी कि भैया प्रशासनिक ये सब चीज़ें, लेकिन जनता के तौर पर कछु अपनी कमी भी समझ में आई अपन को? इतना देखो, आप प्रशासनिक तो कई बार बात हो ही गई, प्रशासनिक जो चुनाव उपचुनाव हो पूरी शासन सत्ता लगी थी विरोध में वो तो हत ही। जो कमियां हैं उसको भी हम और इन मंथन कर रहे हैं और बेकमियां जो कछु भी हुई हैं उनमें हम उन्हें सब सुधार कर रहे हैं। कार्यकर्तन से मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबसे बात करी भी है और जो भी कमी हमें उनको समझ में आई है उनमें सुधार करें। और साथ ही साथ क्योंकि उपचुनाव और सामान्य चुनाव में फ़र्क भी है, उपचुनाव 3 सीटें पर है तो पूरी शासन सत्ता पूरा दुरुपयोग उसका भी हुआ, लेकिन अब जो चुनाव है 230 सीटें पर है और जनता भी जो देखत, प्रशासन भी देखत कि आगे हवा को रुख कौन तरफ है, तो उस हिसाब से काम हो। हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन के हमारे जो अधिकारी हैं वे सब इस बार निष्पक्ष चुनाव कराएं। चुनाव आयोग से भी हमारी विनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो जिससे लोगों को विश्वास चुनाव आयोग पर भी बनो रहे और हम सब लोग पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूरे कार्यकर्ता समर्पित हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पृथ्वीपुर की जनता को आशीर्वाद अपने मोड़ा अपने भैया पर हुई है और प्रदेश की जनता को आशीर्वाद हमारे जो जिनको विजन अच्छा है और जो विकास की जिनके कई गाथाएं हैं माननीय कमलनाथ जी उन पे विश्वास रहे और सरकार कांग्रेस की इस बार बने। पिछली बार जब उपचुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी ने कही थी कि चलो इतने सालों से एक परिवार को आप मौका दे रहे हो, ईवेर एक बदलाव की कोशिश करो। 2 साल में आप का मानत के की तरीके को कार्यकाल डॉक्टर शिशुपाल यादव के विधायक के तौर पर या भाजपा विधायक के तौर पर? देखो, आप चाहे डॉक्टर शिशुपाल यादव हो या कोई व्यक्तिगत बुराई तो आपस में होती नहीं है, लेकिन उपचुनाव में उनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाओ और तमाम जो भाजपा के नेता जो दावेदार हते उन सबको जिनने हमेशा भाजपा के लाने पूरा समर्पण रहो उनको एक किनारे करके मुख्यमंत्री जी ने एक सपा से एक प्रत्याशी को लेके भाजपा से चुनाव लड़ा दो, टिकट दे दी, सब जने लग गए उनको सहयोग करो। उसके बाद सबसे पहला तो उनने होना ही है कुछ लोग जो उनके संगे हते और साथ साथ जो इतने वर्ष राजनीति रही और तब तक जो क्षेत्र को माहौल शांतिप्रिय रहो, अमन चैन और शांति रही, वही 2 साल में जब मुख्यमंत्री जी भी आए थे और ने कही कि 25 साल दे या 30 साल उनको दे और 2 साल दे के देखो, 2 साल में आप पृथ्वीपुर में जाके देख लो अगर विकास भाव तो सिर्फ अपराध को भाव, हत्याएं भई, लूट भई, चोरी भई, डकैती भई, ये के अलावा कुछ है ही नहीं, आप हर कोने में पता कर लो। और न केवल जनता के संगे भाजपा के खुद के कार्यकर्ता के संग भी मारपीट हो रही, अभी 2 दिना पहला की भी ये घटना सुनने में आई, तो तमाम चीज़ें हो रही हैं और इस तरह को माहौल, इस तरीके के डर को माहौल, भय को माहौल कभी हमारे क्षेत्र में नहीं रहो। ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति रही, उत्तर प्रदेश में भाव हुई है जो, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने ऐसा नहीं देखो जो जिस तरीके को पृथ्वीपुर विधानसभा में और तमाम क्षेत्र में जो माहौल आज है भय का, डर का, केवल एक ही उद्देश्य है तहसील थाना हर जगह सिर्फ कैसे पैसा कमाओ, उगाही करो, जगह जगह तिराहे चौराहे पे चेकिंग चल रही, हुए पैसा गरीब आदमी बेचारे पिस रहे। और आप देखो सरकार को भी देखो, आपके आज जैसे प्रधानमंत्री एक तरफ कहते फ्री की रेवड़ी
और फिर अभी जो लाडली बहना चुनाव के वक्त याद आ गई, युवा के तमाम तरीके के वो कर दे, जो ले लो देख ले लो, फिर 3,000 करेंगे, फिर 10,000 करेंगे, जानेंगे फ्री की रेवड़ी। आज मध्य प्रदेश 29,000 करोड़ के कर्जा में आ गई सरकार, इसको भुगतने तो जनता को ही पड़े भाई। मुख्यमंत्री जी तो कत जा रहे जो भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन अंत में हुई का तो ये बहुत चिंता के विषय है। और क्षेत्र का माहौल जो सी हमने आपको बताई बहुत खराब है, विकास के नाम पर केवल अपराधों में विकास भाव और काम वाम कछू नहीं भरे, काम कछू नहीं भरे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कही जा रही है, आप भी जो मान कर चल रही हो कि वर्तमान में जो है शिशुपाल यादव चूंकि लंबे वोटों से चुनाव जीते तो वही प्रत्याशी हुई है भाजपा की तरफ से, आपको कछू ऐसा अंदेशा भी है कि आखिरी समय पर कछू टिकट बदल सकते? देखो आप भारतीय जनता पार्टी चाहे शिशुपाल यादव जी को प्रत्याशी बनाए या को अन्य को नंदराम कुशवाहा जी को भी नाम चलत और तमाम लोगों को नाम चलत, जिनको भी टिकट दे, हमारी तो अपनी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से संकल्पित हैं, सब एकजुट हैं और सबको एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि जौन तरीका से अर्जुन को निशाना मछली की आँख पे हाथों, हम सबको निशाना हाथ के पंजा पे भी किए, हम सब है वही भारतीय जनता पार्टी, जिए दे जीखो भी दे, हम वे मजबूत प्रतिद्वंदी मान के चलत और अपनी तैयारी पे विश्वास रखत, हम सब लोग पूरी तैयारी में हैं और जनता भी समझ रही कि जो 2 साल में जो वादे करके गए थे वो वादे कछु भय नहीं है। और उसके साथ साथ इतने ज़्यादा जो हमने आपको हमें बताई कि अपराधन में इतनी बढ़ोतरी भई है, पृथ्वीपुर जैसे नगर में कई लूट चोरी हो गई और जिनके थे चोरी लूट भई वे खुल के गवाही नहीं दे पा रहे कि इनने चोरी करी, तो इतना भय को माहौल जो आज तक नहीं रहा और जनता निश्चित रूप से जो सब समझ रही और आने वाले समय में एक जवाब जरूर दे। जितने जैसे आपके विधानसभा के समीकरण हैं उनमें विशेष तौर पे जब आपके पिताजी चुनाव लड़ता रहे तो प्रतिपुर नगर आपको बहुत साथ देते रहो, आपके चुनाव में प्रतिपुर नगर भी मतलब आपकी उम्मीदों से कमजोर हो तो ऊ की का वजह माना तो ऊ में कितने सुधार की आप इबेर उम्मीद मान रहे? देखो आप चाहे नगर हो चाहे क्षेत्र हो, हम जो तो मान नहीं सकते कि जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दो, जनता ने तो भरपूर आशीर्वाद दो, तभी तो लगभग 68,000 वोट आ गए। लेकिन जहाँ तक पृथ्वीपुर नगर की बात आपने बताई कि उतने चुनाव हारे वो एक चिंता का विषय हतो, लेकिन उसमें हमने आपको जैसे एक तो बताई कि प्रशासन का जो दुरुपयोग था वो भी एक कारण रहो, और उसके संगे संगे दूसरी चीज़ जो भी है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कह के गए कि 25 साल को समय उन्हें दो या 30 को दो और 2 साल दे के देखो, तो हो सका जनता ने सोची हो, कछु जन ने जो भी सोची हो, लेकिन 2 साल के बाद का भाव वह तस्वीर आप जाके पूछियो, आपके सामने आ जाए पूरी तस्वीर। तो हमारे कहवे को मतलब जो है कि जनप्रतिनिधि जो हो दो तरीका के हो, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करत, एक नकारात्मक। सकारात्मक जो भी विधायक बने यदि वे चाहते तो क्षेत्र में काम करते, लोगों के सुख दुख में उपस्थित होते तो लोगों को अच्छा लगता, लेकिन उनने कहा करो कि कांग्रेसियन की बिल्डिंग कौन सी है, कांग्रेसियन की जमीन कौन सी है, कांग्रेसियन की बाउंड्री कौन सी है। और वो तो सब ठीक है, हमारे दादाजी के नाम से 42 साल से टूर्नामेंट हो रहा हो वो तो कछु ऐसा व्यक्तिगत भी नहीं, जनता ही के लाने हो वो 3 दिन आगो टूर्नामेंट वो नहीं होन दो। तो इस तरह की जो राजनीति रही वह कभी हमारे पिताजी ने नहीं करी, इतने वर्ष भी रहे विधायक भी रहे मंत्री भी रहे, लेकिन एक भी भाजपा को कोनो आदमी बता दे कि व्यक्तिगत को नुकसान करो हो या को मकान तोड़वाओ हो को की बाउंड्री तोड़वाई हो, उनने ये राजनीति नहीं करी। लेकिन इनने जब परंपरा करी तो हो सका जितने से सीखे हो उतने से लेके आए हो, लेकिन ये चिंतनीय विषय है और जनता को अब तय करने कि जो 2 साल को समय उन्हें निकालो वो चाहने या 25-30 साल में जो शांति कायम थी वैसे चाहने जो उनके ऊपर है। लेकिन वो जो कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम को लेकर भी बहुत सारे लोगों को जो मान बहुत हो कि कार्यक्रम भी भय चाहिए तो उसके बाद जी तरीके की राजनीति भाई, तो लोग एक लड़ाका के तौर पर भी तो उम्मीद कर रहे हैं नितिन सिंह राठौर से? हाँ बिल्कुल उम्मीद करते हैं और हम उनके सुख दुख में उनकी हर लड़ाई में उनके संगे हैं, जहाँ ज़रूरत हो तो हम उनके साथ रहें और आपको आगे भी दिखाते हैं उनके साथ हमेशा, हम तो उन्हीं की लड़ाई में है और उन्हीं के साथ है, जनता ही हमारा परिवार है, केवल राठौर परिवार हमारा परिवार नहीं, हम तो जोमदिना से राजनीति में आए, पूरे क्षेत्र की जनता को जो प्रेम और विश्वास हमारे पूज्य पिताजी ने जीता था वो विश्वास और वो प्रेम हमें कायम रखना है और वो तभी रख सकते हैं जब उनको अपने परिवार की तरह माने। और क्षेत्र की हर माताएं बहनें हमारे परिवार के हिस्सा है, हर नौजवान साथी हमारे परिवार का हिस्सा है, हर बुजुर्ग हमारे पितातुल्य हैं, उनको पूरा सम्मान है, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई, उनके सम्मान की लड़ाई, उनके हर हक की लड़ाई नितिन सिंह राठौर हमेशा लड़े और जीवन में लड़े। लेकिन जी तरीके से विकास की अगर बात करें उनने चाहे वो ओरछा नदी को पुल हो जामनी नदी को पुल हो इनको भी लोकार्पण भाव बड़ो हल्ला भाव तो बोले भैया विकास तो जमा है। अब देखो सरकार उनकी है, शासन सत्ता है, अब कोनो भी चीज़ को उद्घाटन लोकार्पण हुई है तो फीता काटवे तो बे ही आए हमें, लेकिन क्षेत्र के बच्चा बच्चा को पता है
कि बेतवा जामनी के पुल के लाने हमारे पिताजी ने कितनी लड़ाई लड़ी, और तो 2003 में सेंक्शन होगा वो तो, लेकिन 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो आगे नहीं बढ़ पाओ। दोबारा जब सरकार कांग्रेस की बनी, यही टूर्नामेंट जो अबे शिशुपाल यादव जी ने होन नहीं दो, वही टूर्नामेंट में की घोषणा भाई, उसका पिताजी ने पत्र लिखो नितिन गडकरी जी को, गडकरी जी को भी पत्र आओ होते से स्वीकृति का पत्र आया हमारे पास, और पुल हो गए स्वीकृत हो गए, तो अब गडकरी जी का धन्यवाद भी करत हम तो, और साथ साथ भी आए और मुख्यमंत्री जी अब फीता भी काट गए, अब एक कह देवे अब हमने करो, अब वो किलाने तो कछू कर नहीं सका। जैसे जीर औद्योगिक केंद्र को अभी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर गए, लेकिन वो की लड़ाई हमारे पिताजी ने लड़ी, लड़ी इसे कि पिताजी जो चाहते कि कछू ऐसी फैक्ट्री या फूड प्रोसेसिंग यूनिट या कछो कछू आ जावे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में पूरे बुंदेलखंड की है बेरोजगारी की, तो उनके बहाने इतने रोजगार उत्पन्न हो, साथ ही साथ किसान जो है अपनी पैदावार वहीं बेच सके, होते उनके बाय प्रोडक्ट्स जो बन जाते, किसान को भी फायदा हो, नए लड़कन को भी फायदा हो, उनको रोजगार मिले, ई दिशा में कराओ तो। लेकिन अब उनको क्योंकि शिलान्यास उतना आए से सब तमाम पत्थरा रखे, पूजा पूजा हो गई, तो मुख्यमंत्री जी कर गए, तो ठीक है स्वागत है। हम तो जो चाहूँ कि चाहे उनको क्रेडिट भाजपा ले, चाहे शिवराज सिंह जी ले को ले, लेकिन जनता के हित के काम होने चाहिए, जनता के लाभ की जो योजना है वो आनी चाहिए। ये फ्री की रेवड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको 15 साल तो कबू ध्यान नहीं आई बैनन की, 18 साल और चुनाव आए 4 महीने पहले बैनें याद आ गई, होते संगे सिलेंडर बढ़ा दा, पैसा 1200 को सिलेंडर मिल रहा हो, एक तरफे कह रहे हैं कि हम पैसा दें, अब फिर उनने सुनी कह रहे वो कांग्रेस की कमलनाथ जी की नारी सम्मान योजना लॉन्च हो गई, तो उनने कह दी हम पे 1250 दें, फिर उनने कह दी 3000 दें, फिर हम मामा जो भी दे वो भी दे। तो ये सब चीज़ें सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि आज अब प्रदेश की स्थिति कहते हैं, जनता को तो पिसने ही पिसने हैं, तुम फ्री की रेवड़ी बांटो, कल को फिर महंगाई बढ़ाओ सब चीज़ें, तो वो जनता को तो एक तरफ से योजना तो दूसरी तरफ से एक जीप से निकाल लो पैसा, तो ये सब चीज़ें उनको समझना चाहिए। और जो बौखलाहट जो मुख्यमंत्री जी की अब है बता रही कि स्थिति भाजपा की खराब है। एक और हमारे पास सूचना है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के आसपास आपसे भी संपर्क करे तो भाजपा ने, बिल्कुल करो तो। पिताजी के निधन के बाद कई प्रयास हुए थे, लेकिन आप ही बताओ कि हमारे पिताजी ने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के संगे निकालो, और यदि हम ऐसे इनकी सौदेबाजी में आ जाते तो जनता जो आज हमें मान रही जिनने 68,000 वोट लगभग दए, वह जनता जाने कहती कि पिताजी का निधन हुआ और देखो उनने तो जीवन कांग्रेस में दो और मोड़ा वही हाल बिक गो, जैसे और लोगों के लाने कहते। तो हम तो भैया जो पिस रहे जो कष्ट है वो झेल रहे, लेकिन जिस पार्टी के समर्पित रहे हमारे पिताजी उस पार्टी के सच्चे सिपाही बन के हमें काम करने और जनता की सेवा में रहने, जनता के हित के काम करने, और साथ ही साथ कर्म करना अपना काम है, कर्म करते जा रहे हैं, सफलता मिलना नहीं मिलना ये आगे की चीज़ें हैं, लेकिन कर्म में कमी नहीं है, लोगों के बीच में रहना है और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है। तो कहूँ अफसोस नहीं है कि हम मान लो 2021 में चले जाते तो विधायक होते? नहीं, हमें तो अफसोस नहीं है चीज़ को, क्योंकि अब जो चले गए थे भले ही मंत्री बन गए विधायक, लेकिन आज जो उन परिस्थिति से भी गुजर रहे, तो हमें तो लगा जो भाई जिन जो इतने सब विधायकन को लेकर चले गए थे जो बड़े नेता, उन्हीं की स्थिति भाई मंत्री हो कछु हो, लेकिन आज वो सम्मान नहीं है जो कांग्रेस पार्टी में सम्मान था, जो उनका जो जो लोगों का जुड़ाव था, युवाओं का जुड़ाव उनके साथ था, आज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीठ पीछे सामने तो नहीं कह पाऊँ, तो पीठ पीछे आदमी का तो वही है जो इन चीज़ के आरोप लगते। तो इसे हम तो खुश हैं, जो भी है जितना भी है ये तो ऊपर वाले के ऊपर है, और खुश हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारा परिवार है, हमारे क्षेत्र की जनता हमारा परिवार है, हम सब संघर्ष करेंगे और संघर्ष करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। पिछले चुनाव जब 2021 को के बाद आपके कई सारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमा भी उस समय में लगे, तो उन सब की लड़ाई की तरीके से लड़ पा रहे आप? नहीं, उन सब की लड़ाई में उनके साथ हैं, और कमलनाथ जी से भी हम सब ने आग्रह करो तो कि साहब जब सरकार बने तो जितने फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं राजनीतिक रूप से इन सबको हटाया जाए, उनने वादा भी किया है कि जो फर्जी मुकदमे राजनीतिक लगाए गए हैं सरकार बनते ही उन सबको हटाया जाएगा। उनकी हर लड़ाई में हम सब साथ हैं हमेशा निरंतर, हमारे परिवार का कोई ना कोई हमेशा घर पर रह, अगर हम नहीं भी हैं तो घर के सदस्य रह, और रोजीना जो लोग आओ उनकी समस्या के निराकरण के लाने उनके संगे रह, और हर तरीका से जो कर सकत हम लोग समर्पित हैं और करें। तो अब चुनाव को कछु महीना बचे हैं, तो आगे की पैटर्न पे आपकी राजनीति अब होवे वाली है अगले 3-4 महीना? देखो आप, हमारा तो सिंगल पैटर्न है कि जनता के बीच में रहने, जनता के सुख दुख में रहने, वही पैटर्न पे चल रहे, जनता के हित को ध्यान रखत सब काम करने, कांग्रेस पार्टी की जो अभी कछु योजना है जो माननीय कमलनाथ जी ने जो 5 वचन दें
उन 5 वचनों को जनता तक पहुंचाना, जो हम सब कार्यकर्ता सभी कह रहे हैं। और कमलनाथ जी और शिवराज जी में एक फर्क है कि शिवराज जी तो घोषणावीर हैं, लेकिन कमलनाथ जी वचनवीर हैं, जो वचन दे दे वो पूरा करा। तो 15 महीना में बहुत से उनके वचन अपन सब ने देखे भी थे, तो हमें पूरा विश्वास है कि जो वचन उन्होंने दिए वे पूरे हुई हैं। और साथ ही साथ जनता भी इस बार बदलाव के मूड में है, क्योंकि 18 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, और 18 साल से माननीय शिवराज जी को वही की वही बातें हैं, कछु नई नहीं है, बेई की बेई रेवड़ी है। और तमाम वादे उन्होंने युवाओं के संग करे थे कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जो फिर वो सब खत्म हो गई चीज़ें, फिर नई चीज़ें आ गई। तो लाडली लक्ष्मी योजना चल रही थी, अब लाडली बहन आ गई। तो योजनाएँ चलती रहती हैं, सब चीज़ें हैं, आज उनकी सरकार है, लेकिन सबको पता है कि इसका नुकसान भी है। तो हमाओं के वो तो जो ही है कि जनता जो ध्यान रखे कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनने ताजो, अब आप नहीं देखो कि भाई जिनकी पार्टी में कितनी बातें करते प्रधानमंत्री जी, सब लोग आदिवासी को अपमान करो, तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। हमारा कहना केवल ये है कि आपको वो देखना है कि कौन आदमी सत्य की राह पे चल के और आपके काम करने के लिए तत्पर है। माननीय कमलनाथ जी से हमें पूरी उम्मीद है कि वे सत्य की राह पे चल के और लोगों के हित में रह के काम करेंगे। और हम तो हमारा समर्पण पृथ्वीपुर विधानसभा तक है, पृथ्वीपुर विधानसभा में हम अपने लोगों को निराश नहीं होने दें, पूरी कोशिश करें कि उनके जीवन में खुशियाँ आएँ। बस अभी समय है, 5 साल का समय होता है हम सबकी सेवा का, और एक बार हमारा समय होता है मांगने का। हमें विश्वास है कि हम मांगेंगे तो जनता अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना विश्वास अपने बेटे अपने भाई को जरूर देगी। निवाड़ी की आपने बात करी, तो निवाड़ी चूँकि जिला है, पहले निवाड़ी प्रतिपुरे की विधानसभा थी, आपके पिताजी उतनी से विधायक रहते, तो कई लोगों को ऐसा भी मान वो है कि निवाड़ी आपके लाने प्रतिपुर से ज़्यादा मजबूत सीट है, तो ऐसा ऑफर नहीं आओ कहूँगे निवाड़ी से का प्रयास? कई बार उप हमारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी कहा, हमारे निवाड़ी के भी हमारे जो कार्यकर्ता उन्होंने भी कहा, लेकिन चूंकि पृथ्वीपुर से हमारे पिताजी लड़ रहे थे, पृथ्वीपुर हम लड़ रहे हैं, तो हमारा मानव है कि अभी विचलित नहीं होना चाहिए और पृथ्वीपुर से ही चुनाव लड़ें। और निवाड़ी चूंकि हमारे पिताजी हमेशा कहते रहे कि पृथ्वीपुर निवाड़ी दो ही हमारी दो आँखें हैं, तो जो हम अपने कार्यकर्ता से भी कहते रहे, तो उनकी हर चीज़ में निवाड़ी के लोगों को भी जब हमारी ज़रूरत हो तो हम उनके साथ रहें, कि हमारी भी उनके भांति दो आंखें हैं पृथ्वीपुर निवाड़ी। निवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, निवाड़ी के जो लोग हमारे साथ पिताजी के साथ जुड़े रहे वे आज भी जुड़े हैं, और जो बुजुर्ग हैं जो पिताजी के साथी हैं वे पितातुल्य उनको आशीर्वाद रत, जो नौजवान हैं उनको प्रेम रत, तो विश्वास और प्रेम में कोई कमी नहीं है। हाँ, चुनाव की जहाँ तक बात है कि जो एक बार तय कर लो, और पिछले चुनाव भी चूँकि हम पृथ्वीपुर से ही लड़े थे उपचुनाव, तो पृथ्वीपुर से ही चुनाव लड़े। तो निवाड़ी के लाने और बड़े भारी दावेदार हैं, जहाँ से तक से दावेदार चले आ रहे कांग्रेस पार्टी में, और पिछली बार चूंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तो इसके बाद भी निवाड़ी में बड़े भारी लोग जो है झांसी से, भाजपा से, कांग्रेस से बहुत दावेदार हैं, उनको लेके कछु आपसे चर्चा हो तो संगठन नहीं? चर्चा तो होती है, लेकिन देखो उसमें हमारे नेता कमलनाथ जी का कहना है कि वे सर्वे कर रहे हैं, उस सर्वे में जिसका भी नाम निष्पक्ष सर्वे होंगे, जी को भी नाम आए, उनकी टिकट हुई है सोनने बोलो। तो हमें विश्वास है कि उनके जो सर्वे हैं, सुनत ऐसे कि उनके सर्वे की रिपोर्ट अच्छी आती है, हमारे क्षेत्र में भी सर्वे हो उसकी रिपोर्ट उन्होंने बताई, तो इस तरीके से सर्वे अलग अलग होते रहते, और हमें विश्वास है कि सर्वे में जिनको भी नाम आए, चाहे वे MP UP की बात कहीं की भी हो, प्रत्याशी अच्छा हो, ये सर्वे में अगर नाम आए तो निश्चित रूप से जनता जिसका नाम लेगी वही को नाम आए तो वही प्रत्याशी सबसे उचित हुई है। और जी को भी टिकट पार्टी दे, पूरे समर्पण के साथ हम उसका सहयोग करें और पार्टी को जिताने में पूरी मेहनत करें। तो पूरे समर्पण के संग निवाड़ी में भी सहयोग करें, और नितिन सिंह राठौर से जो है पृथ्वीपुर की जो उनकी अपनी चुनावी तैयारी है उसको लेकर बुंदेली गोछार पर चर्चा चाहती है। और अब तो चूंकि चुनाव की एक तरीके से शुरुआत है, आगे भी इनके क्षेत्र में लगातार बुंदेली गोछार की बुंदेली चौपाल भी लगे, और हर तरीके की चाहे जनता की बात हो चाहे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बात हो, सबसे चर्चा बुंदेली गोछार पर लगा। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।